माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फाइन शाइन होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे दो रेडी टू वेयर ड्रेस डिज़ाइन, जिनको मैंने रेडी टू वेयर बाय तो किया था, लेकिन उसको मैंने एज इट इज़ नहीं वेयर किया, बल्कि थोड़ी सी स्टाइलिंग से, थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग से मैंने उसको बिल्कुल चेंज लुक दिया। वो कैसे, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं जी। तो ये है आज का मेरा फर्स्ट ड्रेस जो कि मैंने रेडी टू वेयर बाय किया था रेशम गली से। इसके आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, ये नेट का कोट है येलो कलर का, और इस पर डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से चेंज की कि ये कोट बिल्कुल एज कुछ सिंपल सा था, तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक दिया जाए, थोड़ा सा कलर वाइब्रेंट किया जाए। तो मैंने येलो को ब्लू के साथ जो है कंट्रास्ट कर लिया, और ब्लू कलर की मैंने टिशू नेट परचेज की रेशम गली से ही, और उसको मैंने जिस तरह से ये कोट की डिज़ाइनिंग है उसी तरह से मैंने बिल्कुल जो बॉक्स वाली फ्रेल होती है वो मैंने टेलर से लगवा ली, और बिल्कुल जिस तरह से ओवरलैप गला है बिल्कुल नीचे ओवरलैप गले से लेकर नीचे तक मैंने फ्रेल लगवाई है ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की। वही टिशू नेट का कपड़ा मैंने दामन की डिज़ाइनिंग में भी यूज़ किया है। दामन में मैंने इस तरह से थोड़ा कट बनवाया है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये कट बना हुआ है ब्लू कलर का। मैंने फिर यहाँ पर मैंने पट्टा लगवाया है, 2 से 3 इंच का चौड़ा पट्टा है, इस पर छोटी छोटी बारीक सी पट्टियाँ हैं सैटन की रिबिन की, और इसके साथ जो ब्लू के साथ कंट्रास्ट है पट्टी का वो है लाइट चॉकलेट कलर का। ये बहुत डार्क नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है, मीडियम कलर है ब्लू के साथ, बहुत अच्छा जा रहा था, मुझे इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके साथ मैंने फिर ये जो है पट्टियों पे एम्ब्रिशमेंट करवाई है पर्ल्स की और क्रिस्टल की, तो इससे जो है आप खुद देख सकते हैं लुक कितना खूबसूरत और चेंज लग रहा है, मुझे प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी स्लीव्स बहुत ही स्टाइलिश हैं, ये कट स्लीव्स हैं, बीच में से ये कटिंग स्टाइल से हैं, और उस पर ये पर्ल्स लगे हुए हैं, पर्ल्स जो है वो लगे हुए थे मैंने नहीं लगवाए हैं, और स्लीव्स में मैंने सिर्फ जो है वो ब्लू कलर की जो है टिशू नेट की फ्रीली लगवा ली, जैसे मैंने बॉक्स वाली प्लेट्स बॉक्स वाली जो फ्रेल मैंने नेक पे और बनवाई है बिल्कुल सेम एजिटेज मैंने स्लीव्स पे लगवा ली। अब हम बात करेंगे साइड चौक डिज़ाइनिंग की। इस पर मैंने जो है वो साइड चौक पे भी डिज़ाइनिंग की ताकि जो ये कोट है उसका जो लुक है वो बहुत रॉयल लुक लगे, डिसेंट होने के साथ साथ स्टाइलिश और ट्रेंडी भी लगे। तो इस पर मैंने जो साटन की रिबिन की जो पट्टियों की डिज़ाइनिंग करवाई थी दामन में, वही मैंने पट्टी जो है साटन की पट्टी जो है वो मैंने लंबाई में लगवाई है कमर की साइड फिटिंग पे, और इस टाइम मैंने येलो कलर के लूप्स बनवाए हैं और ब्लू कलर के मैंने जो है वो क्रिस्टल के मोती लगवाए हैं ताकि जो है साइड फिटिंग की जो लुक है वो बहुत प्यारी लगे, प्रोमिनेंट भी हो। इसे आप ज़रूरी नहीं है कि रेडी टू वेयर में ही डिज़ाइन करें, इसे आप अपने जो है फैब्रिक को अनस्टिच फैब्रिक में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग आइडिया बता रही हूँ कि अगर आप लोग अनस्टिच में भी बनाना चाहें तो ईजिली बना सकते हैं, बहुत ईजी और रॉयल लुक और बहुत ही ट्रेंडी सी डिज़ाइन है जी। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस जो है वो फ्रॉक है, ये एक लॉन्ग फ्रॉक है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है वेयर की हुई, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देती है, और इसे आप अनस्टिच में भी बहुत इजीली बना सकते हैं और कम प्राइस में बजट में रहते हुए बना सकते हैं। ये सिल्क की जो है वो मेहंदी ग्रीन कलर के जो कलर होता है वो बहुत ही प्यारा सा कलर है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस ये फ्रॉक का कलर जो है कलर की वजह से ही और इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग की वजह से ही मैंने इसे बाय किया। इसे आप अनस्टिच में भी बना सकते हैं, इसकी जो नेक पे है डिज़ाइनिंग हुई हुई है मिरर से और थ्रेड से, छोटे छोटे जो है वो मल्टी कलर से मिरर वर्क हुआ हुआ है थ्रेड के साथ, तो ये आप इजीली अपने ड्रेस में करवा सकते हैं, चाहे आप शिफॉन का वेयर करें, चाहे नेट का करें, चाहे सिल्क का करें, जो फैब्रिक जो कलर आपको अच्छा लगता है उसमें आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बना सकते हैं। और साइड पे जो है इसकी वो मल्टी कलर की डोरी लगी हुई है दोनों साइड पे, और आप ये देखिएगा इसका स्टाइल इतना खूबसूरत है, इसकी जो है इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है बीच में कि हम अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ एडजस्ट करना, देखिए कितना खूबसूरत है, हम अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर साइड में जो है वो दोनों साइड पर डोरियाँ जो है वो एज अ लटकन जो है वो लटकन की तरह रहेंगी, तो हैंगिंग होंगी कितनी प्यारी लगेंगी, और कलर कितने खूबसूरत है मल्टी कलर के वाइब्रेंट से जो कि मिरर के साथ भी नेक में यूज़ किए गए हैं। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन आइडिया कैसे लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस पे जो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग की है वो सिर्फ ये है कि मैंने इसका जो घेरा था वो बिल्कुल प्लेन था, तो जो ऊपर की इतनी अच्छी थी डिज़ाइनिंग और टेजल इतने खूबसूरत थे, तो मैंने सोचा कि क्यों दामन को इतना फीका फीका रखा जाए, तो इसलिए फिर मैंने उसको थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर दिया, और उन मल्टी कलर में से मैंने ऑरेंज कलर को चूज़ किया, और ऑरेंज कलर की ये जो आप देख सकते हैं कटवर्क वाली मैंने लेस चूज़ की, और उसको मैंने पीको से मैंने ये लगवाई है, ये कटवर्क वाली लेस है और उसमें भी थोड़ा सा ये मिरर वर्क हुआ हुआ है, तो बिल्कुल ये ड्रेस के साथ मैच हो जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसको लगवा अपने दामन को भी 4 चांद लगा दूं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, और स्लीव्स इसकी देखें कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स है। आज के जो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं दोनों ड्रेस, उनकी स्लीव्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, दोनों ही की आउट क्लास है, दोनों ही डिफरेंट है, तो इसके स्लीव्स देख सकते हैं थोड़ी सी लॉन्ग है बैगी स्टाइल की है, और जो है वो थोड़ी सी ट्राइंगल स्टाइल की है, नोक वाली स्लीव्स हैं ये आप देख सकते हैं।
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से पकड़ के रखा है ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बनवाना चाहें तो बना सकते हैं। उस पर भी मैंने फिर पीको से वही ऑरेंज लेस लगवा ली जो मैंने दामन पे लगाई, और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये स्लीव्स लग रही हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये देखें इसकी फुल लुक स्लीव्स के साथ कितनी खूबसूरत आ रही है। बैक की बात करेंगे, बैक जो है वो प्लेन है, लेकिन दामन जो है मैंने इस पर दामन को अकेला नहीं छोड़ा, जैसे मैंने आगे मैंने लेस लगवाई थी पीको से वैसे ही मैंने सेम एज इट इज़ घेरे में पूरे जो है वो मैंने यही ऑरेंज लेस जो कट वर्क वाली है जिसमें थोड़े थोड़े मिरर भी हैं वो मैंने लगवाई, ताकि जो है आगे पीछे दामन जो है बहुत प्यारा सा लगे और बहुत खूबसूरत सा और ट्रेडिशन सा लगे। आप लोगों को दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ज़्यादा ड्रेस अच्छा लगा, कोट ज़्यादा अच्छा लगा या फ्रॉक ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके बताइए का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।